देख लीजिए अब क्या होगा बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों के साथ। बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों पर अब चलेगी पुलिस की गोली। योगी बाबा का अल्टीमेटम, अगले चौराहों तक गोलियों से उड़ाओ। अगर बहन बेटियों की लूटी इज्जत तो अब जिंदा रहना होगा मुश्किल। अपराधियों के लिए काल बना अब योगी बाबा का यह नया फरमान। चलती ट्रेन में महिला कांस्टेबल से की छेड़खान, पुलिस ने दरिंदों को गोली से उड़ाया। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। ये फोटो उसी महिला कांस्टेबल की है जिस पर चलती ट्रेन में तीनों दरिंदे टूट पड़े थे। महिला रोती बिलखती चिल्लाती रही, पर इन तीनों दरिंदों ने इस महिला कांस्टेबल को नहीं छोड़ा। हैवानियत के ये तीनों शैतान मिलकर इस महिला को मारा। जबरन घिनौना को कृत्य कर महिला कांस्टेबल को अधमरा छोड़ ट्रेन से तीनों दरिंदे फरार हो गए। फिर तो जब इसकी जानकारी योगी बाबा तक पहुंची तो उनका माथा ठनक गया। उन्होंने उसी रात पुलिस अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई, कहा किसी भी कीमत पर ऐसे दरिंदों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, इन्हें तत्काल खोज कर यमराज तक पहुँचाइए। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। योगी बाबा का यह फरमान आने के बाद पुलिस अपना रुख बदल लिया है। पुलिस अब उन अपराधियों के लिए काल बन गई है जो बहन बेटियों की खुलेआम इज्जत लूटते स्कूली छात्राओं का दुपट्टा खींचते। पुलिस अब ऐसे अपराधियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें पाताल से खोज कर हम लोग पहुँचाएगी। यकीन न हो तो सरवी एक्सप्रेस में महिला सिपाही से छेड़खानी करने वाले मुख्य आरोपी अनीश को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बाकी दो दरिंदों के पैर में गोली लगी है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल मामले पर अयोध्या SSP राजकरण नैयर ने क्या कुछ बताया सुनी। दिनांक 29-30 की रात में सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में एक महिला हेड कांस्टेबल को इंजर्ड करने का प्रकरण हुआ था, जिसमें थाना क्षेत्र अयोध्या कैंट GRP में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। अंतर्गत धारा 332, 307, 354 ख में दर्ज किया गया था। दौरान विवेचना इसमें धारा 394 की प्रगति हुई थी। इसी क्रम में STF की टीम्स लगी हुई थी, जिला पुलिस के साथ कई सूचनाएं साझा हो रही थी। इसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से STF की टीम ने जो विक्टिम थी उनको एक फ़ोटो की पहचान करवाई थी, जिसके बेसिस पे फर्दर डेवलप करते हुए अयोध्या पुलिस के साथ उन्होंने सूचना साझा की थी। इसी क्रम में आज एक सूचना में अयोध्या पुलिस की टीम और STF की टीम ने थाना क्षेत्र इनायत नगर में एक जगह पर रेड करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया था, जिसे क्रम में अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस टीम दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पाई जो कि मौके पर इंजर्ड हो गए थे। एक अभियुक्त मौके से फायरिंग करते हुए भाग गया था। उस उक्त अभियुक्त के लिए कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें STF और पुलिस की टीम लगातार लगी रही। उस उक्त अभियुक्त को थानापुरा के लंदर क्षेत्र में दोबारा पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया, उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, जिसे क्रम में उसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसके उसमें आत्मरक्षात पुलिस के द्वारा फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गोली लगी थी, जिनको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल इलाज के दौरान एक अभियुक्त अनीश खान सन ऑफ रियाज खान रहने वाला जो हैदरगंज थाना क्षेत्र का है, उसकी मृत्यु हो गई है। दो अभियुक्त आजाद सन ऑफ मुख्तार जो कि हैदरगंज का रहने वाला है और बिशंबर दयाल सन ऑफ प्रेम नारायण जो कि कूड़े भार सुल्तानपुर का रहने वाला है, ये दोनों इंजर्ड है, अंडर ट्रीटमेंट है। बाकी जो भी डिटेल्स होंगी उससे आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। STF और जिला पुलिस की टीम दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं और डॉक्टर से बेहतरी इलाज का किया जा रहा है। जैसे प्रगति होती है आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा, ठीक है।